पुलिस ने गश्त के दौरान दो शातिर बदमाश को चरस और दो तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद कोतवाली बेलारी क्षेत्र की पुलिस ने कुंदरकी बॉर्डर के पास से गश्त के दौरान खूंखार दो बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 2 किलो चरस और 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। दोनों ही बदमाश शातिर किस्म के बताए जा रहे हैं और कई थानों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हैं। बेलारी कोतवाली पुलिस कुंदरकी बॉर्डर पर गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना से पुलिस को पता लगा कि बदमाश बॉर्डर के पास घूम रहे हैं, किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। तभी बिलारी पुलिस एक्शन मोड में आई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर 2 किलो चरस तो तमंचा सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई मुकदमों में वंचित चल रहे बदमाशों को जेल भेजा जा रहा है। बताते चलें कि 2017 में भी गौरव द्वारा कपड़ा व्यापारियों के साथ 49 लाख की लूट को अंजाम दिया था। वहीं अजीत अलग अलग थानों में वंचित चल रहा है। 2011 में बदमाश अजीत द्वारा नमन नाम के व्यक्ति जो जनेटा का निवासी था उसकी हत्या की थी। थानागढ़ी में वंचित चल रहा था। अब दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बिलारी पुलिस ने जेल भेज दिया है। बदमाशों को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है, क्या चीज बरामद हुई उनके पास? ये दो बदमाश, एक अजीत और एक गौरव। गौरव बहापुर का रहने वाला है, अजीत यहाँ हाथीपुर का रहने वाला है। अजीत पे 10 मुकदमे हैं, जिसको दो बॉर्डर के लूट और कुसरंकारी के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। गौरव पे 49 लाख की लूट का मुकदमा है और इसके आर्म्स एक्ट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, साथ में गैंगस्टर का भी है। फिर उन बहुत ही शातिर हैं। कल चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पे इन्हें देवर खास के पास, बैरियर के पास इनको गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर रियाज चौधरी और SI मालिया। सर, इनके पास से क्या चीज़ बरामद? इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और दो कारतूस और साथ में 1 किलो चरस। अच्छा, और कुछ मुकदमे अभी फिलहाल उनको बांची चल रहे हैं? अब पता किया जा रहा है और 3-3 मुकदमों में थानों में वांछित है। जो अब तक हमारी जानकारी में है, अजीत के 10 मुकदमे और गौरव के 3 मुकदमे हैं। सर, तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग इस साइड में आए या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये टॉप 10 में से है, IM है दोनों, लगभग 30 साल की उम्र के हैं दोनों। इन साइड आपराधिक इतिहास तो यही।